गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स का, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर एक अट्रैक्टिव चीज है। फ्लावर क्या है? फूल है, ठीक है। वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, कलरफुल होती है, वाइट होती है, पिंक होती है। वो इतनी अट्रैक्टिव होती है इसलिए ताकि इंसेक्ट्स उनके तरफ अट्रैक्ट हों और क्या हो, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन का काम हो वहां पे, ठीक है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कहाँ? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स पे वो सारे प्लांट्स जो फूल उत्पन्न करते हैं। तो ये फ्लावर फ्लावर कैसे बनता है, ठीक है। फ्लावर फ्लावर कैसे बनता है? तो सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, आप देखिए कि फ्लावर क्या है, कैसे होता है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है, मॉडिफाइड शूट होता है, जहाँ पे जो इंटरनोड है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होता है। जो इंटरनोड है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होता है। और जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे लोग कहाँ जाएंगे, एक पॉइंट पे। जब इंटरनोड कंडेंस्ड होगा तो जितने भी नोड है वो सब कहाँ जाएंगे, एक पॉइंट पे आ जाएंगे। तो और वहां पे क्या होगा, फ्लोरल अपेंडेजेस ग्रो करेंगे। अब फ्लोरल अपेंडेजेस का क्या मतलब होता है? फ्लोरल अपेंडेजेस में भी हम क्या जान रहे हैं, कैलिक्स हो गया, कोलोरा हो गया, गाइनोशियम और गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ठीक है। ये वहां से डेवलप होंगे उस लेटरल पोजीशन पे। तो इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये क्या है, ये सब जो है वो क्या, ये क्या है, नोड है, और दो ये सारे क्या है, नोड है, ठीक है। इस दो नोड के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। और हमको पता है कि हर इंटर हमको पता है कि हर नोड से क्या डेवलप होता है, लीफ डेवलप होता है, ठीक है, लीफ डेवलप होता है। और ये लीफ जो है, लीफ डेवलप हो गया, किसने डेवलप किया, अपाइकल बर्ड ने, ठीक है। अपाइकल बर्ड कहाँ होता है, एट टिप होता है, टिप पे जो होता है वो क्या है, अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड यहाँ से डेवलप कर देगा, दो लीफ छोड़ के चले जाएगा, फिर आगे चले जाएगा। अच्छा, मतलब ये अपाइकल बर्ड यहाँ पे भी रहा होगा कभी, ठीक। और ये जब आगे बढ़ते गया तो कुछ जो सेल्स, कुछ जो उसके छूट गए थे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी बर्ड। और ऑक्सिलरी बर्ड क्या बनाएगा, ऑक्सिलरी बर्ड ही जो है वो या तो फ्लावर बनाएगा या तो ब्रांच बनाएगा, ठीक। अब यहाँ से अब क्या बनाएगा, ऑक्सिलरी बर्ड यहाँ से क्या बनाएगा, ब्रांच बना दिया, हाँ। अब ये ब्रांच जो है वो क्या होगा, कंडेंस्ड होके क्या बना देगा, फूल बना देगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि फ्लावर को कौन बना रहा है, ऑक्सिलरी बर्ड बना रहा है, ठीक है। कैसे बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, तो ये सारे क्या है, हमको पता है कि हर जो है हर ब्रांच में ढेर सारे नोड्स होते हैं, हर नोड से लीफ होता है, ठीक है। ये मेन स्टेम है, ये भी मेन स्टेम है, ठीक, जिसमें ढेर सारे नोड्स प्रेजेंट है। ये देखो नोड्स प्रेजेंट है। अब जो है कि इस नोड पे यहाँ पे लीफ हो गया, लेकिन जब उसको फूल बनना है उसी ब्रांच पे, तो क्या होगा कि जो भी ये नोड है वो आपस में, जो इसके जो दो नोड के बीच में इंटर नोड है वो आपस में क्या होने लगेगा, कंडेंस्ड होने लगेगा। और कंडेंस्ड होके जितने भी नोड हैं वो सब क्या बन जाएंगे, एक पॉइंट पे आ जाएंगे। और वो पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट को हम फ्लावर कह रहे हैं, ठीक है। क्यों फ्लावर कह रहे हैं, कि उस पॉइंट पे अब जो है फ्लोरल अपेंडेजेस ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कि कैलिक्स, कोरोला, गाइनेशियम और एंड्रोशियम। चलो भाई, अब तो फ्लावर बन गया। फ्लावर बनने के बाद में अब क्या होगा बताइए। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हमने देख लिया कि फ्लावर क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज होती है, जिसको अट्रैक्टिव चीज होती है। और ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। कैसे बन रहा है ये भी देख लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि फ्लावर के टाइप्स क्या है, ठीक है, टाइपों का फ्लावर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो देखो ये क्या है, टाइप ऑफ फ्लावर।
तो हम लोग टाइप ऑफ फ्लावर जो है वो दो तीन टाइप्स में देखने वाले हैं। पहले क्या देखेंगे, पहले जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखेंगे, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर का टाइप देखेंगे, और दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के टाइप्स में पहला टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है असिमेट्रिक, दूसरा है रेडियल, तीसरा है बायलेटरल। ठीक, जो असिमेट्रिक फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो जो है वो अनडिवाइडेबल होते हैं। मतलब अगर हम उनको सेंटर से काटें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं टूटेंगे, नहीं कटेंगे। ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये मान लो ये सेंटर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर दिख रहा है तो क्या आपको ये सिमेट्रिकल दिख रहा है? किसी को भी मैं सेंटर से तोड़ी तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में दिख रहे हैं या दो से ज्यादा में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। मतलब कि किसी भी फ्लावर को अगर मैं सेंटर से तोड़ रही हूँ तो वो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं आ रहा है, या दो से ज्यादा इक्वल पार्ट्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो वैसे वाले को हम क्या कहेंगे, फ्लावर को असिमेट्रिक फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल में असिमेट्रिक के हम पढ़ने वाले हैं कैना। कैना जो है वो कैसा देता है, असिमेट्रिक फ्लावर देता है। ठीक है, अब हम फ्लावर के सेकेंड टाइप को पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तो रेडियल। ठीक है, रेडियल क्या है, रेडियल को हम त्रिज्या सममिति कहते हैं। और या फिर इसी को क्या कहेंगे, नियमित। मतलब एक पर्टिकुलर ढंग से वो टूट जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी फ्लावर को मान लो ये है, अगर मैं इसको सेंटर से काट रही हूं तो मैं इधर से काटू सब जगह से वो क्या देगा, इक्वल पार्ट्स। अगर मैं किसी को सेंटर से काट रही हूं तो वो जो है वो ढेर सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नियमित ढंग से टूट जाएगा या कट जाएगा। ठीक है, तो वैसे वाले फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रेडियल फ्लावर, या वैसे वाले को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है नियमित, मतलब कि नियमित ढंग से कट गया। ठीक, तो इसमें जो है रेडियल फ्लावर्स में टाइप ऑफ अ फ्लावर रेडियल फ्लावर, सिमेट्री कौन सा दे रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक दे रहा है। तो सिंबल क्या होता है, रेडियल फ्लावर वाले लोगों का सिंबल क्या है, सर्कल के अंदर प्लस। ठीक है, ये है इसका सिंबल। एग्जांपल क्या है रेडियल का, रेडियल का एग्जांपल क्या है, MCD। एम मीन्स मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। सी मीन्स चिली, मिर्ची। और डी मीन्स धतूरा, मतलब धतूरे का फूल, मिर्ची का फूल और सरसों का फूल। ये सभी में कैसा फ्लावर होता है, रेडियल फ्लावर होता है। कैसी सिमेट्री होती है बताइए, कैसी सिमेट्री होती है, तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, इसके अलावा जो है ब्रासिका हो सकता है, सोलेनेसी हो सकता है और लिलियसी हो सकता है। ठीक है, ब्रासिका, सोलेनेसी और लिलियसी, तीसरा टाइप ऑफ फ्लावर किसके बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे। ठीक, क्या होता है, बाइलेटरल। बाई से समझ में आ रहा है दो, ठीक है, दो। तो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल फ्लावर्स जो है वो कैसी सिमेट्री शो करेंगे, जाइगोमॉर्फिक शो करेंगे। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक मतलब एक व्यास समिति। ठीक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एक व्यास सममित कहते हैं। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को काट रहे हैं या फ्लावर्स को जो है कोई भी फ्लावर्स को दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइडेड होता है, ये है मान लो, ठीक, ये दो इक्वल मतलब फ्लावर्स को काटने पर जो है सेंटर से काटने पर दो इक्वल पार्ट्स में जब वो कट जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो जाइगोमॉर्फिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या बायलेटरल है। क्या है? बायलेटरल है। इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज का होता है। क्या होता है? परसेंटेज का होता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो है पी, ठीक है, देखो पी, पी गुलमोहर बीन और केशिया, ऐसे अगर याद करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम कैसे याद करेंगे? पे गु बी का, ठीक है, पे मीन्स पी, पी मीन्स मटर, जी यू गुलमोहर, ठीक है, बी ई से होता है बीन और सी ए से होता है केशिया, मतलब कि मटर का फूल, गुलमोहर का फूल, बीन का फूल, केशिया के फूल में सब में कैसा फूल होगा? बायलेटरल सिमेट्री होगा। क्या होगा? बायलेटरल सिमेट्री होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी? टाइप ऑफ अ फ्लावर पढ़ा, किसके बेसिस पे? सिमेट्री के बेसिस पे, कि सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर जो है वो तीन टाइप का होता है, असिमेट्रिक, रेडियल और बायलेटरल, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ अ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जो भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है पूरा, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों को बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधों की बात है, ठीक है, बॉटनी जो है वो जल्दी आसानी से नहीं समझ में आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि वो प्लांट्स का है ना, हम अपने बारे में जितना इंटरेस्ट से जानने की कोशिश करते हैं, जितना इंटरेस्टिंग लगता है हमको, पेड़ में कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि उसको एक डिटेल स्टडी चाहिए, इसलिए हम लोग ये सब चीज जो है अगर हमको पता होगा ना, तो अगर अब हम पत्ती देखेंगे तो ये, अरे ये तो मोनोकॉट है, अरे ये तो डाइकॉट है, ये तो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब ये इस फैमिली का है, समझ रहे हो? तो ये जो चीज है इससे हमको प्लांट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ हम पोजीशन, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ अ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी के पोजीशन पे के बेसिस पे फ्लावर जो है वो क्या, कौन कौन से टाइप का है। तो ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला जो है वो क्या है? हाइपोगाइनस। दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है एपीगाइनस। पहला हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। अब सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि फ्लावर जो है वो कहाँ रहता है, उसकी मतलब उसकी पोजीशन कैसी है। फ्लावर जो है किस पर डेवलप होता है? थैलेमस पे डेवलप होता है, ठीक है। थैलेमस पे क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें इंटर नोड्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं, और जितने भी नोड्स हैं वो एक पॉइंट पे आ रहा है। तो ये सब चीज कहाँ हो रहा है? ये सब चीज थैलेमस पे हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है वो थैलेमस पे ही ग्रो करता है। ये है हमारा थैलेमस, ठीक है। उस पे जो है वो क्या होंगे? सेपल्स। आउटर वाली चीज हो क्या होगी? सेपल्स होगी, ठीक। इनर वाला जो पेटल वो क्या होगा? पेटल पंखुड़ी। यहाँ पे ये जो है वो स्टेमिन, स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक। लेकिन फ्लावर का टाइप मेल रिप्रोडक्टिव से हो रहा है क्या, मतलब के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो रहा है क्या? नहीं। किसके बेसिस पे हो रहा है? ओवरी के बेसिस पे। ये है देखिए ओवरी, ठीक है, या हम इसी को क्या कहते हैं? पिस्टल, ठीक। तो थैलेमस पे कैसा है ये ओवरी? बहुत ऊपर है। कैसा है ओवरी? बहुत ऊपर है, ऊंचा है, मतलब कैसा है? सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर स्टेज पे है, ठीक। तो सुपीरियर स्टेज पे देखो,
हमने क्या देखा कि हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसको हम क्या कहते हैं, अधोजायंता, ठीक है, अधोजायंता पुष्प जो है उनकी ओवरी की पोजीशन कैसी है, ओवरी की पोजीशन जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। सुपीरियर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। सिंबल क्या है हाइपोगाइनस फ्लावर का या अधोजायंता पुष्प की, सिंबल क्या है, तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसके नीचे डैश डालते हैं, और ये डैश ही रिप्रेजेंट करती है कि ओवरी की पोजीशन कैसी है, सुपीरियर है। अगर जी के नीचे डैश होगा मतलब पोजीशन सुपीरियर है, अगर ऊपर होगा मतलब इंफीरियर है पोजीशन। हमने पहले भी देखा था कि थैलेमस पे ओवरी जो है अगर वो क्या हो जाए, ऊपर हो, ठीक है, सुपीरियर हो या ऊर्ध्ववर्ती हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है, चिल्ली। तो ये सब, मस्टर्ड बता कौन से फैमिली का है, ब्रासिकेसी फैमिली का है ना, है ना। ब्रिंजल किसके फैमिली का है बताओ, सोलेनेसी फैमिली का है। तो आप जो है कि यहाँ पे देखेंगे जितने भी फ्लावर्स हैं इन सबके, तीनों के सबके जो है वो क्या होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन ओवरी की पोजीशन या गायनोशियम की पोजीशन क्या होती है, सुपीरियर होती है। तो अब हम जो है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेरिगाइनस फ्लावर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पेरिगाइनस फ्लावर को हम क्या कहते हैं बताइए, पेरिगाइनस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, परिजायंता पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, परिजायंता पुष्प कहते हैं, ठीक है, परिजायंता, परिजायंता पुष्प, ठीक है। परिजायंता पुष्प जो है वो क्या है, मतलब कि थैलेमस पे जो ओवरी है वो कैसी है, फ्लास्क, ये अपनी कप शेप की, कप शेप का थैलेमस है जिसपे मिडिल पे है, मतलब ना ऊपर है ना नीचे है, क्या है, नीचे से लेकिन थोड़ा ऊपर है, इसीलिए इसकी पोजीशन क्या है, हाफ इंफीरियर है। कैसी है, हाफ इंफीरियर है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो रोज का फूल देखे है ना आप लोग, तो रोज का फूल में आप देखिएगा कि उसका जो ओवरी का पोजीशन है वो कैसा है, वो होगा हाफ इंफीरियर, मतलब वो क्या होगा कि आधा, मतलब ऊपर, ज्यादा ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, एक आराम से उसमें से पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे, तो उसके थैलेमस पे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं जिसकी ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर होती है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, रोज, प्लम और पीच, ठीक है, RPP, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के तीसरे टाइप को, जिस जो कि क्या है, पोजीशन ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर की तीसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। फ्लावर का तीसरा टाइप है इपिगाइनस फ्लावर। इपिगाइनस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, अधिजायंता पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिजायंता पुष्प कहते हैं, ठीक है। अधिजायंता पुष्प में कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरी के पोजीशन पे टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं, तो ये ओवरी की पोजीशन कैसी होगी, ये ओवरी की पोजीशन कैसी होगी, इंफीरियर होगी, मतलब अधोवर्ती होगी। अधोवर्ती मतलब अंदर घुसा हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरी कैसा है, ओवरी कैसा है, अधोवर्ती है। देखो क्या है, घुसा हुआ है ना, ये है अपना थैलेमस। थैलेमस कैसा शेप का है, फ्लास्क शेप का है, और इस फ्लास्क शेप में ओवरी क्या है, पूरी तरह से ढका हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है, अधोवर्ती। उसके बाद सिंबल क्या है, सिंबल जो है वो G2, इसके ऊपर में अगर डैश है तो क्या दिखा रहा है कि वो ओवरी कैसी है, अधोवर्ती है। एग्जाम्पल क्या होगा, कुकुम्बर होगा, ठीक है, गुलमोहर होगा, सनफ्लावर होगा, इन सब के फूल में, पुष्प में जो ओवरी की पोजीशन है वो कैसी होगी, इंफीरियर होगी, और इसीलिए ये फूल क्या कहलाएंगे, ये फूल इपिगाइनस फ्लावर कहलाएंगे, या फिर हम इसी को अधिजायंता पुष्प कहेंगे, ठीक। टाइप ऑफ फ्लावर में हम जो है वो अभी तक क्या पढ़ लिए कि पोजीशन के बेसिस पे क्या, कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, और जो है कि
फ्लावर के पोजीशन के बेसिस पे कितने फ्लावर होते हैं, और क्या देखे थे कि सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर के टाइप देखे थे। अब हम ये देखेंगे कि फ्लावर भी दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फ्लावर में कौन कौन से एसेंशियल ऑर्गन है और कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी। बहुत जरूरी क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक, क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण ही आगे जनरेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो एसेंशियल ऑर्गन में क्या आएगा? स्टेमिन आएगा और पिस्टिल आएगा। स्टेमिन उसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है, और पिस्टिल क्या है? उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। दूसरा आएगा, कुछ लोग हेल्प भी करेंगे उस चीज में, ठीक है, फ्लावर को। तो एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो क्या है? सेपल है और पेटल है। तो टाइप ऑफ अ फ्लावर दो होता है, पहला कंप्लीट फ्लावर, दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में, जब कंप्लीट फ्लावर हम किसे कहेंगे? जब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तब हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे? बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। उसका सिंबल क्या होगा? एक ये जो एरो और नीचे प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या है, मेल, या तो उस फ्लावर में मेल पार्ट होगा या तो उस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी। अगर मेल फ्लावर प्रेजेंट है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उस फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो फीमेल तो एब्सेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कौन सा फ्लावर बन गया? ये जो है वो क्या हो गया? स्टेमिनेट हो गया। ठीक है, इनको कौन से फ्लावर कहेंगे हम? स्टेमिनेट, क्योंकि यहाँ पे स्टेमिन बस प्रेजेंट होगा, पिस्टिल क्या होगा? एब्सेंट होगा। जब स्टेमिन सिर्फ प्रेजेंट हो तो इसको हम कैसा एरो देंगे? ऊपर। ये जो एरो है वो ही डिसाइड, वो डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, पिस्टिल एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है? स्टेमिन बस प्रेजेंट है। दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर में दूसरा टाइप होता है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर मतलब क्या है कि यहाँ पे पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तो क्या एब्सेंट होगा? स्टेमिन एब्सेंट होगा। ठीक है, एरो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला एरो एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ स्टेमिन एब्सेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्लस। प्लस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? फीमेल फ्लावर। मतलब ये फ्लावर कैसा हो गया? इस फ्लावर, इसको क्या कहेंगे हम? पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, पिस्टिलेट फ्लावर मतलब यहाँ पे पिस्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, और जब ये दोनों प्रेजेंट हो, मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट हो, तो वैसे वाले फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक, तो हमने ओवरऑल क्या जाना कि टाइप ऑफ अ फ्लावर में जो है वो तीन टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, और जो है वो पिस्टिल और स्टैमिन के रहने और नहीं रहने से क्या होता है, मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिमेट्री में हमने क्या देखा कि तीन सिमेट्री होती है, असिमेट्रिक, रेडियल और बायलेटरल। ठीक है, फिर हम आते हैं ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे फ्लावर जो है वो तीन टाइप के होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर और एपिगाइनस फ्लावर। फिर हमने देखा कि फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं, कंप्लीट फ्लावर होते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। तो अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।